सिंदूर खेला में खूब नाची रानी मुखर्जी। एक्ट्रेस के बंगाली लुक ने जीता फैंस का दिल। सिंदूर खेला में छाया रानी का बंगाली लुक, रानी पर चढ़ा भक्ति का अद्भुत रंग। एक्ट्रेस ने अपने डांस से सबका जीता दिल। दुर्गा पूजा के मौके पर दशमी के दिन देश भर में हुआ सिंदूर खेला। काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल में भी मां दुर्गा की विदाई से पहले हुआ सिंदूर खेला। इस मौके पर काजोल तो नहीं दिखी, लेकिन रानी ने अकेले ही रंग जमा दिया। रानी ने सिंदूर खेला के दौरान खूब एंजॉय किया। कभी वो ढोल पर खूब नाची तो कभी खुशी में चाचा को गले लगाया। विजयदशमी के दौरान रानी मुखर्जी अपने चाचा के साथ डांस करती भी नजर आई। रानी मुखर्जी ने सिंदूर खेला के मैदान पर भाई राजा मुखर्जी की पत्नी ज्योतिका को भी सिंदूर लगाया। ज्योतिका ने भी रानी के साथ सिंदूर खेला और दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाती रहीं। रानी मुखर्जी के मस्ती भरे ये वीडियोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि मां दुर्गा को विदाई देने उनके परिवार के कई लोग जुटे, लेकिन सबकी नजरें केवल रानी मुखर्जी पर ही टिकी रही। रानी मुखर्जी पर भक्ति का रंग साफ नजर आ रहा था। ढोल बजता देख वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो पंडाल में नाचती हुई आई और माता के सामने खूब डांस किया, साथ ही थाली बजाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। सिंदूर खेला के वक्त रानी मुखर्जी से लेकर अनुराग बासु, तनुश्री दत्ता और उनकी बहन इशिता, रूपाली गांगुली, सुमोना चक्रवर्ती, मुनमुन दत्ता और मोनालिसा जैसे कई बड़े सेलेब्स दिखे, लेकिन काजोल की कमी साफ नजर आई। रानी मुखर्जी रूपाली गांगुली यानी कि टीवी की अनुपमा के साथ भी जमकर थिरकी। पहले तो रूपाली को देखकर रानी ने उन्हें गले लगाया और उसके बाद उनके साथ सिंदूर खेला। इसके बाद वो उनके साथ खूब देर तक थिरकती रही। रानी का प्यार देखकर रूपाली भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाई। रानी मुखर्जी हर साल अपने परिवार के दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में आती है, लेकिन इस साल उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बीते कुछ दिनों से भी वो लगातार पंडाल में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही थी। मां दुर्गा की विदाई से पहले हुए सिंदूर खेला पर रानी बहुत खुश दिखी। उन्होंने पंडाल में आने वाली महिलाओं को सिंदूर लगाकर उनका स्वागत किया और खुद उन्हें भी सिंदूर से रंगे हुए देखा गया। इस दौरान रानी ने जमकर सिंदूर खेला। रानी सिंदूर खेला के लिए बंगाली स्टाइल में बादामी रंग और गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में नजर आई और उन्होंने काफी देर तक मस्ती मजाक किया। उन्होंने अपने बालों को पीछे क्लिप कर रखा था। इसके साथ उन्होंने हाथों में कंगन और कानों में बड़े गोल्डन स्टड्स पहनी थी। साथ ही रानी ने माथे पर लाल बिंदी लगाई हुई थी। काजोल के अलावा सिंदूर खेला में काजोल की बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी भी पहुंची थी। तनीषा इस दौरान सुर्ख लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी दिखाई थी। इस लुक को उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज, हेवी गोल्डन ज्वेलरी और रेड बिंदी के साथ कंप्लीट किया। सुमोना चक्रवर्ती भी सिंदूर खेला में जमकर नाची। लाल स्लीवलेस ब्लाउज और व्हाइट साड़ी में वो काफी प्यारी दिख रही थी। इसके साथ ही उन्होंने बालों में बन बनाया हुआ था और गले में उन्होंने हेवी नेकलेस पहना था। अपने इस बॉन्ग स्टाइल आउटफिट में एक्ट्रेस अपना टैटू फ्लॉन्ट करती नजर आ रही थी। एक्ट्रेस के चेहरे पर सिंदूर लगा हुआ था। वो एक ग्रुप में डांस कर रही थी। लोग एक्ट्रेस के लुक और डांस दोनों की खूब तारीफें अब कर रहे हैं। इस मौके पर इशिता दत्ता अपने पति वत्सल सेठ और बहन तनुश्री दत्ता के साथ पहुंची थी। इशिता भी सिंदूर खेला के लिए लाल बॉर्डर वाली व्हाइट साड़ी में पहुंची थी। बता दें कि मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा पंडाल में रानी मुखर्जी और काजोल का पूरा परिवार जुटा हुआ है। सभी देवी की पूजा में लगे हुए हैं। आरती से लेकर पूजा अर्चना और फिर पंडाल में ही खाना खाते नजर आते हैं। इस साल इस पंडाल में कैटरीना कैफ, कियारा आडवाणी, जया बच्चन, हेमा मालिनी समेत कई सेलेब्स पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।